बात है, एक आम आदमी बेचारा अपना मेहनत कश आदमी जा रहा था अपनी बैलगाड़ी में, रास्ते में अंग्रेज का कुत्ता, अफसर का कुत्ता घूम रहा था, वो बैलगाड़ी से नीचे आके मर गया। मरा तो वही जज भी अंग्रेज थे, अंग्रेजों का राज था, तो ये बात तय होगी इसको फांसी की सजा हो। अब माँ बाप को लगा भाई कुत्ता मरने की सजा फांसी, वो वकील पे गए, सबसे बड़ा वकील था, उन्हें अपनी फीस बताई, क्या जी फीस तो मैं फिर लूंगा, मुझे अपने काम पे भरोसा है, फीस तो मेरी बाप ने दे देना, लेकिन जो मैं कहूंगा इस लड़के को करना पड़ेगा। क्या जी जो कहोगे करेंगे। क्या तूने जज के सामने जज तेरे से कोई सवाल पूछे, तूने कोई जवाब नहीं देना, तूने सिर्फ ये कहना है फुर। वो कह जी कोई बात नहीं, तो बड़ा आसान काम है। क्या अब जज ने उसको पूछा तेरा नाम फलाना नाम है, उसने आगे से कहा जी फुर। जज ने कहा बैलगाड़ी तेरी है, उसने आगे से फिर कह दिया हुर। जज ने कहा कुत्ता तेरी गाड़ी के नीचे मरा के, उसने फिर कह दिया जी हुर। जज को लगा ये पागल है, जज कह रहा है इसको बाहर निकालो पागल है। बरी हो गया, सीढ़ियां उतरने लगा, आगे वकील खड़ा था, वकील कह रहा मेरी फीस, उन्हें वकील को भी कह दिया हुर। अब जब आप कांग्रेस वालों पे जाते थे भाई सिलेंडर हमारे गांव में दे दो, मानू परेशानी हो रही, तो कांग्रेस वाले क्या कहा थे आपने हुर। और जब आप ये कहा थे भाई बीमार ठमार हो गया आम आदमी, मारा आयुष्मान कार्ड बनवा दो, हमारे बारे में ख्याल कर लो, 50 साल हुकूमत चलाई, तो कांग्रेस क्या कहती थी आपको हुर। और जब आप पेंशन कहते थे भाई हमारी पेंशन में से पैसे ना खाओ, हमारी पेंशन बढ़ा दो, ये पेंशन ही है, अपने यहां दादा दादी नाना नानी को अपना पोता पोती दोता दोती अपने यहां मूलधन से प्यारा ब्याज है। बुजुर्ग आदमी की उम्र बढ़ जाती है, गांव में घर में अगर दो बुजुर्ग हैं 6000 रुपया है, अपने बच्चों का पोतों का पोती का नाता नाती का चाव करने के लिए मान तान करने के लिए आज अपने बेटे से पैसे नहीं मांगने पड़ते, और उनकी कलकीरियां 100% हमारे बुजुर्गों के जीवन के अंदर खुशी भी गोल रही है और उनकी उम्र भी बढ़ा रही है। मैं गलत कर रहा हूं बुजुर्गों, जितने बुजुर्ग बैठे हैं ये आपका सम्मान भत्ता है। तो जब आप कांग्रेस को कहते थे कि हमारे को बेइज्जत मत करो, ये अपमान भत्ता मत बनाओ सम्मान भत्ता बनाओ, तो कांग्रेस आपको कह देती थी फुर। जब आप कहते थे मेरिट के ऊपर हमारे बच्चों को नौकरियां दो, ये पर्ची खर्ची का सिस्टम बंद कर दो, तो उस टाइम भी कांग्रेस आपको कहती थी फुर। और अगर आज कांग्रेस वाले वोट मांगने आपके बीच में आए तो आपने क्या कहना है, क्या कहना है, कोई कह के बताओ ऐसे नहीं करना है। अब इतना हुर हुर कह के तो मेरा जोर लग लिया, आप एक बार तो कह दो भी क्या कहना है जो कांग्रेस वाले आएंगे, मैं बोलूं फिर हुर। देखो ये सब लोग 50-50 साल से राज करके बैठे, कभी कुछ कर नहीं पाए, और जो अपने बीच उम्मीदवार है जी कांग्रेस के, आपको पता है उनका इतिहास क्या है, राजनीति थाने से शुरू होती थी, थाने पे खत्म,